नमस्कार दोस्तों, मैं मुलिंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में नोबेल प्राइज 2020 के विजेताओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में यहां से आपको एक से दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सभी साथी इस वीडियो को बड़े ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखें, और इसका जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर सामने है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा बनता है आपका है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि नोबेल जो प्राइज पुरस्कार है वो किस वैज्ञानिक की याद में दिया जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन देश के थे, उन्हीं की याद में हर साल नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और तभी से इन्होंने एक वसीयत की थी, तभी से नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं और ये शांति और अच्छे वैज्ञानिकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नोबेल प्राइज़ जो है आपका 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले की बात करें 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, एक क्षेत्र इसमें और जोड़ा गया जो कि इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि बाद में जुड़ने वाला क्षेत्र कौन सा है। और फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर बता दूँ 6 क्षेत्र आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है, चिकित्सा हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और साहित्य हो गया। ये इन 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है शांति का जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज वो कहाँ पर दिया जाता है। तो ये आपको बता दें नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाने वाला पुरस्कार है। केवल एक पुरस्कार है जो कि शांति का है, जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो 5 है फ्रेंड्स, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1901 से दिए जाते हैं नोबेल प्राइज। और फ्रेंड्स, अब जो मेन टॉपिक है यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 का, और एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी साथी। तो 2020 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। तो इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम भी कहते हैं। तो इसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इसे ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सेकंड जो क्वेश्चन है आपके सामने है, 2020 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से किन किन्हें सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त, सभी को यहाँ पर जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, रोजर पेन रो से हो जाएगा जो कि ब्रिटेन के हैं, हीन हार्ड गेंजेल हो जाएंगे जर्मनी के, एंड्रिया गेज हो जाएंगे अमेरिका के। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, तीनों वैज्ञानिक आपके सभी यहाँ पर, एंड्रियाज जो हैं वो फीमेल वैज्ञानिक हैं और बाकी जो दो हैं आपके मेल वैज्ञानिक हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों को भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये उपयुक्त हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अमरीका से एड्रिया गेज जो हैं वो अमेरिका से हैं, हीन हार्ड गेंजेल जो हैं जर्मनी से हैं, और रोजर पेन रोसे जो हैं ब्रिटेन से हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, रोजर पेन रोसे को 2020 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लिटरेचर का पुरस्कार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 2020 का पूछा जाए तो लुइस ग्लिक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लुइस ग्लिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अमेरिका के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, अमेरिका से हैं, ये अमेरिका से हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दूं ओल्गा टोकारजुक को जो 2018 का मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, 2018 का इन्हें मिला है और 19 का पीटर हैंडके को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, इनमें से किसे 2019 साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2019 का पीटर हैंडके को दिया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो कौन है? और 3 जो है उन्हें दिया गया है, तो 2020 में 1 है जिसे नहीं दिया गया है, तो पीटर जे रेडक्लिफ जो कि इन्हें 2019 का दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 2019 का पीटर जे रेडक्लिफ को दिया गया था।
बाकी जो हैं तीन वैज्ञानिक जो हैं आपके, माइकल ह्यूटन जो कि अमेरिका के हैं, हॉर्वे जे आल्टर अमेरिका के हैं, चार्ल्स एम राइज ये ब्रिटेन के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जिन्हें 2019 का दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हॉर्वेज जे ऑल्टर को 2020 में किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स आप सभी ने भी पढ़ा होगा, तो चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार, इन्हें चिकित्सा के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे हॉर्वेज जे एल्टर को उनके किस योगदान के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीनों वैज्ञानिकों को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो किस क्षेत्र में दिया गया है इन्हें, किस योगदान के लिए दिया गया है, और किस क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों वैज्ञानिक आपको ध्यान रखते हैं, माइक ह्यूटन हो जाएगा, माइकल ह्यूटन हो जाएगा, हॉर्वेज जे हाल्टर हो जाएगा, चार्ल्स एम राइज हो जाएगा। तो इन तीनों को किसके लिए दिया गया है, हेमेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दी चिकित्सक का नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका इमैनुअल सारपेंटिन और जेनिफर डाउडना को 2020 के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, किस क्षेत्र में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये दोनों वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, इमैनुअल सारपेंटिन और जेनिफर डाउंडा को 2020 का रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, रसायन के क्षेत्र में इन दो वैज्ञानिकों को मिला है, और ये किस लिए दिया गया है, जीनोम एडिटिंग के लिए, एक विधि के विकास के लिए दिया गया है इन्हें, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में से 2020 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अर्थशास्त्र की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, इकोनॉमिक में के क्षेत्र में जो है वो किन, ये यहाँ पर दो वैज्ञानिकों को फ्रेंड्स किया गया है, तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, दोनों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है 2020 का, इन दोनों को दिया गया है, पॉल मिलीग्राम जो कि अमेरिका के हैं और रॉबर्ट विल्सन जो कि अमेरिका के हैं, दोनों ही वैज्ञानिक ही अमेरिका के हैं, और इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्यों किया गया है फ्रेंड्स, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए ये प्राइज इन्हें दिया गया है, तो यहाँ पर उपयुक्त तो दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, और एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन बनता है, एंड्रिया गेज को उनके किस योगदान के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। तो यहाँ पर क्षेत्र भी किस योगदान के लिए दिया गया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया था, जो कि आपके रोजर फॉन रोसे थे और हेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज, इन तीनों को ही आपके आकाश गंगा के केंद्र में सुपर मेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि किस योगदान के लिए दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का राइट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ 2020 के नोबेल प्राइज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।